हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रिएक्ट करने वाली हूँ करबला का वाकया, हज़रत इमाम हुसैन शहादत। सो हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है उसका वाकया इसके अंदर है, हुसैन इब्ने अली मेहरबान अली। तो ये जो चैनल है ना, ये है मेहरबान अली एंड काफ़ी बड़ा चैनल है, 5.25 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं एंड लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। करबला का वाकया मुझे थोड़ा बहुत तो इसके बारे में आइडिया है, सी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में बेसिक चीज़ें पता है। सो मैंने सोचा मैं इस वीडियो को देखती हूँ आप लोगों के सामने ताकि मेरे भी कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएं एंड रिएक्शन वीडियो में भी हम इसको कवर कर लेंगे। हज़रत इमाम की शहादत यानी कि जिस वक्त उनकी डेथ हुई थी, उनका इंतकाल हुआ था, उस वक्त का वाकया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। बट बिफोर आई स्टार्ट, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर, सो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehrban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. Yazid ne ये हुक्म भिजवाया कि नवासाए रसूल अगर मेरी बयत न करे तो उसे कत्ल किया जाए। फौजी यजीद जो चारों तरफ से अल्लाह के रसूल के खानदान को घेरे हुए थी, उन्होंने ये तय पाया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासाए रसूल और उनके साथियों को कत्ल कर देंगे। बस मौला हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फौज के पास, उनसे कहो कि उनके नबी की बेटी का बेटा कहता है हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जनाब अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन का फरमान फौजी यजीद को सुनाते हैं, वो हंसने लगते हैं। ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम को होगी। इमाम हुसैन शबे आशूर तमाम साथियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ऐ लोगो, ये जो फौज तुम देखते हो ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। कल मुझे कत्ल किया जाएगा, मेरी बहनों बेटियों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया जाएगा। ऐ लोगो, तुमने मदीने से लेके यहाँ तक मेरा बहुत साथ दिया है, अब मैं हुज्जत तमाम करता हूँ, चले जाओ अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। लोग इधर उधर देखने लगे कि मौला ये क्या फरमा रहे हैं, आपको छोड़ के जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह के रसूल से मैं लेके दूंगा, जाओ चले जाओ। जब इमाम हुसैन ने सबके चेहरे को देखा तो आपने फरमाया, शायद तुम लोगों को आंखों की शर्म ने मारा है, अब्बास चराग बुझा दो। बस चराग का बुझना था, इमाम हुसैन सर को झुका के बैठ गए। कुछ देर गुजरी, इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास चराग जलाओ। जैसे ही चराग जले, इमाम हुसैन देखते हैं एक एक मौला का चाहने वाला अपनी तलवार अपने गर्दन पे रख के कहता है, ऐ नवासा ऐ रसूल, इन जालिमों के बीच में आपको तन्हा छोड़ के जाए, जब हम मर जाएंगे आपकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी जाने हमारे बच्चों की जाने आपके कदमों पे कुर्बान मेरे मौला, अगर आप हुक्म करें हम अभी के अभी अपने आप को कत्ल कर देते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा, देख जैसे मुझे साथी मिले ऐसे आपको भी ना मिले, ऐ मेरे भाई हसन, देख जैसे मुझको साथी मिले ऐसे आपको भी ना मिले। फिर आप फरमाते हैं, जाओ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, कल हमें अल्लाह के दीन पे कुर्बान होना है। बस रात ढलने लगी, 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ, अजान अली अकबर आई, नमाज में हमला हुआ, एक एक मौला का चाहने वाला इमाम के कदमों पे कुर्बान होता रहा, कभी हुर कभी जॉन कभी हबीब कभी जनाबे अब्बास कभी शहजादा कासिम कभी शहजादा अकबर तो कभी मासूम अली असगर। बस जब कोई भी ना रहा, इमाम हुसैन खेमे में आते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी बहनों ऐ मेरी बेटियों, अपने गरीब इमाम का आखिरी सलाम कबूल करो, वावेला की सदाएं आम हो गई। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब मेरे बाद तुमको कैद किया जाएगा। फिर आप एक खेमे में आते हैं,
जहाँ एक बीमार सोया हुआ होता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अली उठो, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। जनाब सज्जाद बिस्तरी बीमारी से उठते हैं, देखते हैं कि उनका बाबा खून में रंगीन और उनका लिबास इतना सादा और फटा हुआ। इमाम सज्जाद कहते हैं, बाबा अब्बास। इमाम हुसैन फरमाते हैं, नहर किनारे सो रहे हैं अली अकबर, उनको पर्ची लगी, उनकी लाश वहाँ रखी हुई है। एक एक शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। बस इतने में ज़ैनुल आबिदीन सहारे से उठते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे मौला, मुझे इजाजत दे, मैं मैदान में जाऊँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सज्जाद तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं बेटा, हमें शहीद होने दो, हमारा इम्तिहान यहाँ खत्म होने दो, फिर तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। तुम्हें अपनी बहनों बेटियों माओं के साथ बाजारों में कैदी बन के जाना है। सज्जाद यजीद की दरबार में खुतबा सुनाना है। इमाम सज्जाद सारो कतार रोने लगे और नजरें उठा के पूछने लगे कि ऐ मेरे बाबा, आपने इतना पुराना लिबास ऐ वतन किया है। इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद मुझे पता है कि ये लोग इतने कमज़र्फ हैं कि मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म से लिबास उतार देंगे, मेरी लाश को लूटेंगे, खयाम को लूटेंगे। शायद इस गरीब का ये पुराना लिबास देख के उनकी गैरत जाग जाए। बस अलविदा कहते हैं और मैदान में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान आए, सबसे पहले कहा, ऐ लोगों, पहचानो मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा रसूल अपने कंधों पे सवार करता था। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा रसूल सीने पे सुलाता था। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारा रसूल कहता था, हुसैन मिन्नी वा ना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मैं वो हूँ जब नमाज के दौरान मैं रसूल अल्लाह की पुश्त पे आता था तो तुम्हारा रसूल मेरे एहतराम के लिए अपने सजदे को तूल देता था कि ऐसा ना हो कि रसूल अल्लाह सजदे से उठे और मुझे तकलीफ आ जाए। ऐ लोगो, तुमने आज उस हुसैन को रुलाया है, अपने हाथों से दुनिया के बदले दोजख को लिखा है। बताओ मेरा क्या गुनाह है? बताओ क्या मैंने किसी इंसान का हक गस्ब किया है? बताओ क्या मैंने कोई नमाज कजा की है? बताओ मैंने क्या जुर्म किया है? लोग कहने लगे कि तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे कि तुम्हारा कोई कसूर है, तुम्हें इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगो, वो अली जो इस्लाम का मुहाफिज था, आज उस अली को ये सिला दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस बयाबान में कत्ल कर रहे हो। बस इतने में शिम्र कहने लगा कि हुसैन की बातें न सुनो, बस हमला कर दो। इमाम हुसैन पे हमला हो गया। तारीख ने तहरीर कर दिया कि इस जमीन पे आज से पहले ऐसी जंग कभी न देखी थी। एक तरफ हजारों की फौज थी, एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली था। लाश फिदा में उड़ते रहे, हजारों लोग फिनार होते रहे। अली का शेर, अली की ज़ुल्फ़कार और रसूल अल्लाह के घोड़े पे सवार है। तारीख ने तहरीर कर दिया कि फौजे यजीद भागते भागते कूफे तक जा पहुंची। उमर बिन साद कहता है कि शिम्र अभी तक खामोश क्यों हो, हमला क्यों नहीं करते? शिम्र कहता है कि मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे हुसैन के बच्चों से ना लड़ सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगे? इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसकी रगों में नबी का खून दौड़ता है, जाओ खेमों को आग लगा दो। बस शिम्र खेमों को आग लगाता है। उमर बिन साद कहता है, उर्मिला हुसैन पे तीर चलाओ। बस हजारों की फौज ने इमाम हुसैन पे तीर चलाना शुरू कर दिए और वहाँ खयाम को आग लगना शुरू हो गई। इमाम हुसैन कभी फौज की तरफ जाते हैं और कभी खयाम की तरफ जाते हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है, जिसके पास जो जो चीज है वो फेंक के मारे। किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार फेंक के मारी, कोई तीर मारता रहा, कोई पत्थर मारता रहा। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म मिट्टी उठा के हुसैन की तरफ फेंकता रहा। बस इतने में आवाज आती है, हुसैन हुसैन तो कामयाब हो गया। इमाम हुसैन ने जैसे ही ये सदा सुनी, रिज़्न पे कज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे ही पढ़ा और ज़ुल्फ़िकार को नियाम में रख दिया। वो पत्थर, वो नेज़े, वो भाले, वो तीर, वो करबला की गर्म मट्टी इमाम हुसैन के जिस्म पे लगती रही। इमाम हुसैन घोड़े की जीभ से जमीन पे, इमाम हुसैन के जिस्म पे इतने तीर थे कि रसूल अल्लाह का नवासा
न जीन पे था न जमीन पे था, बस तीरों के आसमान पे था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, हुसैन गिर गया, जाओ जाओ हुसैन का सर कलम करो ताकि ये खबर हम यजीद तक फौरन पहुंचाए, हमें इनाम मिले। जो करीब जाता है इमाम हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोता हुआ वापस आ जाता है। इतने में शिमर कहता है, ये काम मुझसे ही होगा, खंजर दो। खंजर लेके इमाम हुसैन के करीब जाता है। इमाम हुसैन का सर सजदे में, शिमर आके इमाम हुसैन की गर्दन पे खंजर रखता है और चलाने लगता है। शिमर देखे कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं, वो हंस हंस के सोचने लगा, शायद हुसैन पछता रहे हैं, करीब आके सुनो तो क्या कहते हैं, फिर जाके यजीद को बताऊंगा। जैसे ही कान करीब करके सुनने लगा, इमाम हुसैन फरमाते हैं, अय अल्लाह कबूल करना, इस तेरे हुसैन ने तेरे दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अय अल्लाह गवाह रहना, इस तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ फिदा कर दिया। अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द सना कर रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, अय बदबख्त, क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? शिमर ने कहा, हाँ मुझे पता है, तू रसूल अल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है। इमाम हुसैन ने कहा, तुम फिर भी मुझे कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, तुम्हें कत्ल करने से मुझे सोना मिलेगा, हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं जन्नत का सरदार हूँ, क्या तुम्हें अपने जन्नत की फिक्र नहीं? शिमर हंसता रहा और इमाम हुसैन के पाक गले पे खंजर चलाने लगा। इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे और यूं नवासा रसूल का सर तन से जुदा हो गया। बस इमाम हुसैन का सर कटना था, फौजे यजीद में खुशी का माहौल बरपा हो गया, सब झूमने लगे, नाचने लगे। उमर बिन साद ने कहा कि लूटो, अहल बैत के खेमों को लूट लो। बस फौज खेमों की तरफ बढ़ती है, बीबियों ने मातम करना शुरू कर दिया। फौजे यजीद एक एक चीज को लूटना शुरू करते हैं। इतने में शिमर देखे, एक 4 साल की बच्ची मैदान में बाबा बाबा कर रही है। शिमर करीब गया, उस बच्ची ने सोचा, शायद मैं यतीम हो गई हूँ, मेरे सर पे हाथ रखेगा। शिमर ने देखा, उस बच्ची के कानों में बालियां पहनी हुई है। उसने बालियों को पकड़ा और जोर से खींच के निकाल दिया। वो बच्ची करबला की जमीन पे बैठ गई और कहने लगी, दादा अली कहाँ है आप? बस बीबियां बेपर्दा होके जमीने करबला पे बेवारिस होके बैठ गए, खयाम चल गए। इतने में उमर बिन साद कहता है कि यजीद का हुक्म है कि सबके जिस्म से सर काट के मेरे पास लेके आओ और लाशों पे घोड़े दौड़ाओ ताकि दुनिया को मालूम हो, जो इस यजीद के सामने आएगा, यजीद उसकी बेटियों बहनों को बेपर्दा कर देगा और उसकी लाशों को ऐसा कर देगा कि कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। शिमर ने कहा, हाँ लाशों को लगाओ, घोड़ों को तैयार करो। किसी कबीले से आवाज आई कि अकबर की माँ उम्मे लैला हमारे कबीले से है, हम अकबर की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। उमर बिन साद ने कहा, ठीक है अकबर की लाश जुदा कर दो। किसी ने कहा, जॉन हमारे कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा, ओन और मोहम्मद हमारे कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा, हुर हमारे कबीले से है। किसी ने कहा, जनाब अब्बास पे हम घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। किसी ने कहा, कासिम यमन की शहजादी का बेटा है, हम इस पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। करबला की तारीख ने तहरीर कर दिया कि जितने भी शहीद थे उनके लिए कोई न कोई ये कहने लगा कि इसका ताल्लुक हमारे कबीले से है। उन तमाम शहीदों की लाश जुदा हो गई, बस एक गरीब माँ और एक गरीब बाप का बेटा हुसैन जमीने करबला पे पड़ा रहा। किसी ने ये न कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है, ये हमारे रसूल की बेटी का बेटा है, ये अली मुर्तजा का बेटा है। शिमर ने कहा, बस लावारिसों की तरह हुसैन की लाश पड़ी हुई है, वो जो पामाल करने के लिए घोड़े तैयार किए गए थे, बुलाओ सबको। घोड़े तैयार होते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े कभी मशरिक से मगरिब को जाते हैं, कभी मगरिब से मशरिक को जाते हैं। इमाम हुसैन की लाश पामाल होती रही। इमाम हुसैन की दाई पसलियां बाई पसलियों की तरफ चली गई, बाई पसलियां दाई पसलियों की तरफ चली गई। इमाम हुसैन का सीना और पुश्त एक साथ हो गए। वहाँ नवासा रसूल की लाश पामाल हो रही है, वहाँ फौज यजीद झूम रही है, वहाँ रसूल अल्लाह की बेटियां रो रही है। बस इतनी देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी का 10 मुहर्रम वाहिद दिन था जिस पे अंधेरा वक्त से पहले हो गया। सलाम हो करबला के शहीद नवासाए रसूल इमाम हुसैन पर, इमाम हुसैन पर, इमाम हुसैन पर।
कोई ऐसा स्टोरी नहीं है हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की किस तरीके से हुई थी। बहुत नॉलेजेबल वीडियो था, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगी जो मुझे अब से पहले नहीं पता थी इस चीज़ के बारे में कि जो एक्चुअली में जो करबला का वाकया था वो क्या था। मैं हमेशा सुनती थी करबला की मिट्टी, मैंने ये वर्ड हमेशा बचपन से सुने थे बट मुझे करबला का वाकया के बारे में इन डेप्थ कभी नहीं पता था। और मुहर्रम ये सब क्या होता है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था, मतलब ऊपर ऊपर से पता था, बट मुझे अब पता लगा कि क्यों इतना गम का वक्त होता है ये, क्यों इतना ज़्यादा गम मनाया जाता है और उनको याद करके उनके लिए जो है दुआएँ की जाती है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत कितनी ज़्यादा दर्दनाक मौत उनको दी गई थी कि यजीद की जो फौज थी लाइक वो कितने ज़्यादा बेरहम कितने ज़्यादा जालिम हो गए थे कि उन्होंने बिल्कुल ये भी नहीं सोचा कि वो जिसको कत्ल कर रहे हैं जिसके लिए वो मारने के लिए इतना बड़ा प्लान कर रहे हैं वो हमारे जो प्रॉफिट हैं हमारे नबी हैं उनके नवासे थे। कि मतलब दरिया दिली देखो कि जो हज़रत इमाम हुसैन थे उन्होंने उनके साथ जितने भी लोग थे ना जो लोग यहाँ से अपनी जान बचा के चले जाओ यहाँ पर उनकी दरिया दिली देखो, जबकि उनको पता था कि वो नहीं बचेंगे, वो लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा इज्जत थी उन्हें लेके, उन्होंने बोला अगर आज हम तुम्हें छोड़ के चले गए मरने के बाद जो तुम्हारी माँ है उनको हम क्या जवाब देंगे और अल्लाह को हम क्या मुँह दिखाएंगे। एंड उसके बाद जो है यजीद की जो फ़ौज है जैसे कि इन्होंने बताया उन्होंने हमला किया और एक एक जन जो जो उनके साथ था सबको उन्होंने मार दिया, सब लोग शहीद हो गए अल्लाह की राह में, सब ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। एंड उसके बाद लास्ट में जो है हज़रत इमाम जब बचे तो एक बेटा था जिसको वो अपना आखिरी सलाम करने गए थे, उस वक्त वो पूरे खून में लथपथ थे। मैं तो जिस वक्त ये पूरा बयान सुन रही थी ना मैं सोच रही थी यार जब ये असल में ये चीज़ हुई होगी क्या खौफनाक मंजर हो रहा होगा, हम लोग आज की तारीख में सुन के इतना ज़्यादा मतलब यू नो इतना ज़्यादा एक रोंगटा खड़ा हो जाता है हमारा। तो जब ये असल में ये चीज़ें वाकई हुए होंगे तो उस वक्त का आलम तो अल्लाह जाने क्या ही रहा होगा। तो उसके बाद जो है यजीद की फ़ौज ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। एंड सोचने वाली बात है उन लोगों को भी पता था कि ये नबी का जो है वो है नवासा है हज़रत अली का बेटा है, तो वो लोग भी बात बहुत अच्छे से जानते थे कि वो अकेले ही बहुत ज़्यादा दमदार है, अकेले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तभी वो एक जन और उनकी हज़ारों की फ़ौज, जबकि ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं एक आदमी को ख़त्म करने के लिए इतने सारे लोग खड़े हैं, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो लोग कितना ज़्यादा खौफ में थे, उनको बस ये हो रहा था इसको कैसे ख़त्म कर दें आने वाले वक्त में कहीं ये इतना ज़्यादा सुपीरियर ना हो जाए। तो उन्होंने इतने सारे लोगों ने हमला किया तलवारों से घोड़ों के ऊपर आके चारों तरफ से घेर लिया और तीर इतने सारे तीर लाइक जैसे उन्होंने बताया कि जिस वक्त वो घोड़े से गिरे थे जिस वक्त वो गिर गए थे इतने सारे तीर उनकी पूरे शरीर में थे कि ना तो वो पूरे ज़मीन पर थे और मतलब वो पूरी तरीके से ऐसे होता है ना कि बीच में अटक जाना, तीर नीचे भी शरीर के नीचे भी उनके बॉडी के इधर पार्ट में भी थे और ऊपर के पार्ट में भी थे, तो वो एक तरीके से बिल्कुल बीच में रुक गए थे आके जब वो घोड़े से नीचे गए। उसके बाद उनकी गर्दन कलम करने के लिए भी किसी को भेजा गया, यार सुना नहीं जा रहा था वो सब। तो एंड वो वाली चीज़ जो वो घोड़े दौड़ाने वाली बात थी तो वहाँ पर देखो ये चीज़ पता लगती है कि हमारे नबी ने कितना कुछ किया, कितनी ज़्यादा लोगों की मदद की, इस्लाम का मतलब समझाया और कितने ज़्यादा वो यू नो काइंड रहे थे अपने टाइम पे, उनके लिए तो वर्ड्स कम पड़ जाते अगर हम लोग बोले तो। लेकिन सब लोगों ने अपने अपने रिश्तेदार सेलेक्ट कर लिए कि वो जो फलाना मरा है वो हमारे कबीले का है, वो मेरे उसका जान पहचान वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है। सिर्फ एक हज़रत इमाम थे इमाम हुसैन थे, किसी ने ये नहीं बोला कि हमारे नबी के नवासे हैं या फिर हमारे हज़रत अली के बेटे हैं, उनको छोड़ के बाकी सब के लोग आ गए गवाही देने कि इनके ऊपर घोड़े हम नहीं दौड़ा सकते। तो बस क्या था सबको जो है वो लाशें उनको दे दी गई, ठीक है तुम ले लो, लेकिन जो हज़रत इमाम थे मीन उनके ऊपर इतने सारे हज़ारों की तादाद में उनकी पूरी फ़ौज थी यजीद की, उन्होंने घोड़े दौड़ाए और उसके बाद उनकी पसलियाँ आपस में यू नो जिस तरीके से उन्होंने बताया मैं वर्ड्स भी याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बहुत रोना आ रहा था मुझे, मैं सुन रही थी ना। बाकी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो था एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अब आज के बाद कभी मेरे आगे कभी कोई जिक्र आएगा मुहर्रम को लेके या फिर करबला का वाकया तो मैं किसी को भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ बहुत ईजीली। तो इस वीडियो से मुझे इतना तो फ़ायदा मिला। एंड वो एक चीज़ जहाँ पर उन्होंने बोली थी ना जब हज़रत इमाम के ऊपर वो लोग जो है अटैक कर रहे थे कोई तलवारें, तो उसने बोला यजीद की जो फ़ौज थी तो उसने ये वो आपस में बोले कि जिसके हाथ में जो आए वो मारो, तो यहाँ तक कि उन्होंने ये बोला कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है ना तो जो वहाँ की गर्म रेत मतलब गर्मियों का वक्त था वो कि जो गर्म मिट्टी है कुछ और नहीं हाथ में आ रहा तो वो ही मारो,
कितने ज़्यादा जालिम लोग थे, कितने ज़्यादा। बस मैं और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती इस वीडियो को लेकर। बाकी यार बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ना गूज बम्स आ रहे थे इस वीडियो को देख के, क्योंकि जब असल कहानी हम सुनते हैं ना, रियल हिस्ट्री, इस्लाम की जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बिल्कुल रियल है। सो बस आज के लिए इतना ही, मैं इस वीडियो में और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। तो चलिए आप लोगों के साथ मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मुझे कमेंट करना और आप इस तरीके की कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा ईमान ताज़ा हो जाएगा एंड मैं भी थोड़ा सा नोन हो जाऊँगी इन चीज़ों से, इन वीडियोस के देख कर, रिएक्शन करके मेरे को भी थोड़ा सा थोड़ी मेरी नॉलेज बिल्डअप होगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक।